अवलखेड़ा में पुलिस व बदमाशों में हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ व एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। आगरा के थाना खंदौली और थाना बरहन की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पंडित राम शर्मा आचार्य के पावन जन्मभूमि अवलखेड़ा में खून की होली चौकी अवलखेड़ा क्षेत्र के घड़ी रामबकस के पास बड़े बंद पड़े पेट्रोल पंप पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ करीबन सुबह के 4 बजे हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी, जिसे उपचार के लिए आगरा भर्ती कर दिया गया। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में एक दरोगा भी घायल हुए। घायल दरोगा राहुल कटियार को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। SP देहात सत्यजीत गुप्ता एवं क्षेत्र अधिकारी अर्चना सिंह घटना स्थल पर भारी पुलिस के साथ मौजूद हुए। घायल बदमाश ने अपना नाम गोपाल उर्फ बद्री पुत्र मंगल सिंह निवासी नागबाई थाना सैफई इटावा घायल बताया। बदमाश गोपाल के 8 अन्य साथी भी पकड़े गए। SP देहात सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गोपाल और कन्हैया पिछले दिनों अचनेरा के रायभा में सरफा की दुकान से लाखों के गहने चोरी किए थे। उसके बाद कुछ साथी अभी फरार हैं, इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। छात्रों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, तमंचे और दुकान का शटर तोड़ने के औजार बरामद हुए हैं। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। क्या मामला था पूरा? थाना खंदौली, यहाँ पे जो जलेश्वर रोड है, आगे मुड़ी चौकी पे, वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें कई अभियुक्त सवार थे, वो चेकिंग दौरान सामने आए। पुलिस की गाड़ी को देख के तुरंत इन लोगों ने यूटर्न मारा और पीछे भागने लगे। वहीं आसपास में थाना बरहन की भी टीम गश्त कर रही थी, तो थाना बरहन और थाना खंदौली की टीम ने इन दोनों लोगों ने इन जो स्कॉर्पियो है इसको इंटरसेप्ट किया। स्कॉर्पियो को इंटरसेप्ट जब किया गया तो स्कॉर्पियो में बैठे जो अभियुक्त थे इन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया और उस फायर में एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी उसका नाम है वर्दी उर्फ गोपाल। इसके ऊपर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये थाना अचनेरा में एक मुकदमे में ये वांछित भी चल रहा है। इन पूरे गैंग के जितने भी सदस्य हैं पूरे सबको मिला के तकरीबन 4 अवैध असलहे बरामद हुए हैं और 1 दर्जन के आसपास इनके पास कारतूस हमें बरामद हुए हैं। बाकी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी इस तो पूरे मुठभेड़ में हमारे एक दरोगा जी राहुल कटियार हैं, उनको भी चोट लगी है। उनको अस्पताल भेज के, उनको और हमारे ये जो अभियुक्त है दोनों को तत्काल अस्पताल भेज के इनका इलाज कराया जा रहा है। सर, कितने अपराधी थे जो गाड़ी में आए थे? टोटल 9 अभियुक्त थे गाड़ी में और उसका नाम बता, सारा डिटेल आपको अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा।